ಸರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಭಾನುಪ್ರಿಯ. कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए छिंदवाड़ा जिले के ग्राम रामपुरी टोला के ग्रामीणों द्वारा 2017 में सावन मास में मंदिर में शुरू किया गया हरिनाम कीर्तन का समापन मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने किया. ग्रामीणों ने इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का अभिनंदन और अभिवादन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ग्राम रामपुरी टोला की जनता के साथ ही पूरे छिंदवाड़ा जिले के लोगों ने पिछले 40 साल से मेरे प्रति जो आत्मीयता और सद्भावना रखी उसी का परिणाम है कि मैं आज इस प्रदेश का मुखिया बनने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हुआ. उन्होंने कहा कि जिले के हर व्यक्ति को विकास और खुशहाली का बीड़ा जो मैंने उठाया था प्रदेश के मुखिया बनकर सभी नागरिकों और विशेषकर किसानों और नौजवानों की खुशहाली के लिए समर्पित रहूंगा. मुख्यमंत्री ने कहा मुझे ये ताकत छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन से ही मिलेगी. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने लोकसभा चुनाव के दौरे के दौरान ग्राम रामपुरी टोला गए इस गांव के लोगों ने 2017 से सावन मास में संकल्प लिया और मन्नत मांगी थी कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं बनते हैं तब तक लगातार 24 घंटे कीर्तन करेंगे. गांव के सभी लोग तभी से 24 घंटे कीर्तन कर रहे थे. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये हरिनाम कीर्तन चलता रहा जिसका समापन आज मुख्यमंत्री बनकर कमलनाथ ने किया. मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने इस मौके पर कीर्तन मंडली के साथ बैठकर कीर्तन भी किया. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स.